मास्टर कॉन्सेप्ट में जैसे कि हमने एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैथ्स इसके एक पार्ट को हमने आपके सामने लेके आए थे जिसमें 2019 और 18 आपकी खिदमत में पेश की थी और इस सिलसिले में हमारा एमसीक्यूज के दो सिस्टम आपके सामने चल रहे हैं, एक 20 ईयर वाइज और सेकेंड जो है वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज तो इस लिहाज से कि हम अपने तौर पे भी आपको कुछ इस तरह की एमसीक्यूज बताएं जो दो सिस्टम आपके सामने हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, एक 20 ईयर है और दूसरा हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो अलग से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं, वो उसमें बेसिकली मैं आपके सामने नहीं आता, आपको नोट्स के ऊपर से ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं और उसी के ऊपर मैं आपको उसका शॉर्ट टाइम में आंसर बता देता हूं। तो लिहाजा कुछ कोशिश आप लोगों ने भी करनी होती है कि कुछ जब तक आपने क्वेश्चंस पूरी तरह ना समझे हो तो वो बातें आपको समझ में नहीं आ सकती। बेसिकली सेकंड ईयर की एमसीक्यूज और फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज बगैर पढ़े आप पूरी तरह से जितना भी बेहतर पढ़ाया जाए आप नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको उसके क्वेश्चंस भी आने चाहिए। और यहाँ पे एक बात का इजाफा करता चलूं कि आज हम जो है सिर्फ चैप्टर नंबर 2 नहीं बल्कि चैप्टर 2 और 3 एक जैसे ही चैप्टर है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेसिकली पॉइंट्स होते हैं और चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशंस होती हैं, लेकिन वो कंटिन्यू आप ये कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो एपिसोड नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 3 एपिसोड नंबर 2 है। बेसिकली चैप्टर तो वो 2 और 3 है लेकिन बात एक ही है और 2 चैप्टर से बात जहां खत्म होती है तो 3rd चैप्टर में बात उधर से ही आगे स्टार्ट होती है। तो लिहाजा हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो रहा था कि बहुत सी एमसीक्यूज ऐसी हैं अगर हम कहें उसका ताल्लुक चैप्टर 2 से है तो वो 3 से भी है और अगर 3 से कहें तो वो 2 से भी बन जाता है। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि हम पार्ट 1 के बाद जितने भी पार्ट्स बना रहे हैं वहां हम चैप्टर 2 और 3 को कंबाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट टाइम हमने 2019 और 18 को सिंप्लीफाई किया था एमसीक्यूज को और आपको दिखाया था, आज हम 2017 यानी कि 2017 को आपको समझाएंगे और इसी तरह हम नीचे के ईयर्स के अंदर आते जाएंगे। तो इस सिलसिले में आज हम 2017 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें एक एमसीक्यूज अगर आप देखें तो आपको नजर आएगी जो हम आपको ऊपर भी बता देते हैं, वो एमसीक्यूज ये है बेसिकली एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डैश, तो 4 इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली किस टाइप की होती है उसमें आपको ये समझना है कि एक लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 वेरिएबल होती है और एक विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल होता है। तो जो 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती है बेसिकली उसे इस तरह से लिखा जाता है कि 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कोई भी नंबर है। तो ये हमने कोई इस तरह नहीं लिख के कहीं से देखते हुए बल्कि एक नॉर्मल डिस्कस किया है कि जब x की पावर 1 हो y की पावर 1 हो तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स इक्वेशन कहलाती है। और याद रखेंगे हर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर कोई ना कोई शेप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इस सिलसिले में चूंकि हम 2017 की एक एमसीक्यूज देख रहे हैं और अगर हम पूरा ही समझाने बैठ जाएं तो बहुत सी बातें आ जाती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन बेसिकली बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है। तो इसके ऑप्शन जो लिखे हुए हैं आपके सामने है, अगर आप आपके पास 2017 का पेपर आपके सामने है तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है सर्किल, फिर है कर्व, फिर है पॉइंट्स।
तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ये है। अब वैसे आपको इशारा दे दूं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम एक एमसीक्यू के साथ, क्योंकि आपको आंसर तो आपको आजकल 20 ईयर्स जो आती है उसमें आंसर ऑलरेडी टिक किया होता है, कुछ गलत भी होते हैं, लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताएंगे तो आपको फायदा होगा। बेसिकली जैसे जैसे हम आगे चलते हैं ना, चैप्टर नंबर 7 और 8 पे भी आते हैं, तो इसी का सिलसिला जो है 2-3 के बाद 7 और 8 पे चले जाता है। सबसे पहले याद रखे लाइन को डिस्कस किया जाता है, लाइन के बाद आपके पास ज्वाइंटेड लाइन आती है, फिर उसके बाद आपके पास सर्किल आता है 7 चैप्टर में, फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी शेप्स ऑन द ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली इन तमाम इक्वेशंस को देते हुए आपको जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो कभी पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, लेकिन उसे आपको पहचानना पड़ेगा। दिल तो बहुत चाहता है कि अभी आपको मैं सारी पहचान बता दूं, और एक बात याद रहे, अगर आपने मेरे दिल की बात को समझना है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज कोड कर रहा हूं, या फिर इसका लिंक भी आखिर में लगा दें, ठीक है, वहां आप पूरी वीडियो देखें, और देखने के बाद एंड में जाके इस कॉन्सेप्ट को वहां से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली एमसीक्यू जो आपको एक्सप्लेन की वो आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं कि 2017 में कौन सी और एमसीक्यू है जो इससे उसका ताल्लुक है। तो अब आपको एक और एमसीक्यूज दी गई है जिसमें कहा हुआ है द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स आर डैश। तो ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, और यहां पे हमें बेसिकली एक इक्वेशन दी है जो कि वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स को कहां से इंटरसेप्ट कर रही है, तो नीचे ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन पे हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले वो जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है। हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। तो जब हम कोई भी इक्वेशन देखते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो आया किस तरह से वो यहाँ पे चल रही है, लेकिन कोई भी लाइन होती है वो या तो x पॉजिटिव को कट कर रही होती है, या फिर नेगेटिव x एक्सिस साइड से वो लाइन कट कर रही होती है, और अभी तो नहीं इन्होंने पूछा, लेकिन अगर पूछे तो वो y का भी पूछ सकते हैं कि y को कहां से कट कर रही है। तो y का ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का माइनस होता है। बेसिकली हमें करना ये होता है कि अगर हमसे ये कहा जाए कि ये लाइन x को कहां से इंटरसेप्ट कर रही है, कहां से इसे कट कर रही है, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें यहां पे इसमें y की वैल्यू इसके अंदर जीरो रख, y की वैल्यू जीरो रख। तो जब भी आपसे x इंटरसेप्ट है तो आप इस इक्वेशन में y को जीरो रख दें। वो बुनियादी तौर पे ये है कि जब भी कोई लाइन x को कट करती है तो ओरिजिन को देखते हुए, ओरिजिन बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां x और y दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और वो वैल्यू दोनों x भी जीरो होते हैं, y की भी जीरो होता है। तो ऑन द x एक्सिस पे हमेशा y जीरो होता है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि x हम ये लाइन हमें x के कहां से ये कट कर रही है या इंटरसेप्ट कर रही है, तो उसके लिए हमें y को जीरो रखना है। और साथ ही ये एक्सप्लेन कर दें कि अगर कल को एमसीक्यू आती है कि भाई y को कहां से कट कर रही है, तो याद रखना है कि ये आपका x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट अगर मालूम करेंगे तो हमने क्या करना है कि y को जीरो रखना है, और y अगर इंटरसेप्ट अगर मालूम कर रहे हैं तो हमें x को जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑन द y एक्सिस पे हमेशा x क्या है वो जीरो होता है। लेकिन अभी बात इसकी हो रही है, तो हम यहां पे इस लाइन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x है,
माइनस एक्स है तो वाई को हम जीरो रखेंगे और ये आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग वाली आपकी फैक्टराइजेशन बन गई। और बेसिकली जैसे कि यहाँ पे एक्स की पावर स्क्वायर है ये शेप, अब जैसे अगर आपने वो वाली जो मैंने आपको कहा है कि आप वीडियो देखें उसमें आप मैंने बहुत कॉन्सेप्ट्स बेहतर करके समझाए हुए हैं, तो मुझे ये पता लग गया ये पैराबोला की इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला की इक्वेशन मैं किस लिहाज से बोल रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर वो वीडियोस के लिहाज से कॉन्सेप्ट है। अगर आप भी चाहते हैं आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट आए तो फटाफट इस वीडियो के बाद उसको देखें, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियो है, देखेंगे तो पता लगेगा और उससे सीखेंगे तो आप में जब इम्प्रूवमेंट आएगी तो खुद ही पता लग जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आने के बाद मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एक्स को दो जगह से ये इंटरसेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है एक्स को एक जगह से ही कट करता है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेसिकली ये कर्व टाइप का शेप होता है जो एक जगह से नहीं दो जगह से कट करता है। तो अगर हम इसकी मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो 3x माइनस 2x और माइनस 6। मैं बेसिकली जो छोटी क्लासेस के अंदर बच्चे होते हैं 9-10, मैं बहुत उनसे कहता हूँ कि आप मिडल टर्म ब्रेकिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि बड़ी क्लासेस के अंदर जो है वो बार बार जो है वो मिडल टर्म ब्रेकिंग वाली टाइप बहुत ज्यादा आती है। आप यकीन माने वो बच्चे इन बातों का फायदा बिल्कुल नहीं उठाते, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ चुके हैं वो जान चुके हैं कि ये हर चैप्टर में हर जगह मिडल टर्म ब्रेकिंग आपके सामने आ जाती है। और हमारे सिंध बोर्ड के अंदर 8.5 नंबर का मैट्रिक के अंदर मिडल टर्म ब्रेकिंग के ऊपर जो है एग्जाम में पेपर दिया जाता है, तो बहुत अच्छा किया हुआ है जो इतने ज्यादा नंबर का दिया है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंटर लेवल में असर आता है। अब आगे चलते हैं, एक्स कॉमन लिया और यहाँ पे एक्स प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लेने पे एक्स प्लस 3। अब बुनियादी तौर पे हमारे पास एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 यानी कि एक आंसर इसका 0 के इक्वल रखते हुए और दोनों आंसर हमारे पास आ जाएंगे, एक माइनस 3 और एक प्लस 2, तो हमारे ऑप्शन के अंदर 2 और माइनस 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चूंकि कोई भी आंसर इसमें एक्स भी पहले दिया जा सकता है, मतलब 2 भी पहले दिया जा सकता है, माइनस 3 भी पहले दिया जा सकता है, लेकिन हम इसमें चूंकि दोनों एक ही वेरिएबल्स के आंसर्स हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है माइनस 3 और 2 ऑप्शन दिया है, एक 3 एंड 2 दिया है, माइनस 3 माइनस 2 और 3 और माइनस 2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है माइनस 3 एंड 2। तो लिहाज के सामने आ भी रहा होगा, द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3 टू द लाइन विद स्लोप 5 इज डैश। तो मेरे पास जो मतलब मुझे वाइफ ईयर नजर आ रहा है उसमें जहां आंसर लिखा हुआ है वो बेसिकली मेरे हिसाब से गलत आंसर को उन्होंने टिक किया हुआ है। यहाँ पे हमसे एंगल पूछा गया है और कह रहे हैं कि एक लाइन है उसका जो स्लोप है यानी कि स्लोप M1 से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उन्होंने 3 स्लोप दिया हुआ है, और एक सेकंड लाइन के साथ एक लाइन एंगल बन रहा है, वो एंगल हमें फाइंड करना है, तो जिस लाइन के साथ स्लोप बन रहा है वो हमारे पास M2 है और 5 दिया हुआ है, और लाइन फर्स्ट लाइन यानी कि M1 स्लोप के साथ M2 यानी कि L2 लाइन के साथ वो जो एंगल है वो आपको बताना है, और इसका स्लोप 3 है, इसका स्लोप 5 है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है वो है tan थीटा M2 यानी इस लाइन के साथ बन रहा है तो M1 अपॉन 1 प्लस M1 और M2। तो इसी तरह अगर हम इस चीज इस सिलसिले को आगे बढ़ाए तो यह 5 है और यहाँ पे 3 आ रहा है, और इसी तरह 1 प्लस 5 इंटू 3 है,
तो ऊपर हमारे पास 2 आ चुका है और नीचे जो है हमारे पास 16 आ चुका है। तो अगर हम इसे कट करते हैं तो ये 1/8 आ जाएगा और थीटा यहाँ रुकते हुए 10 इनवर्स -1 पावर आ जाएगी। और जो हमारे पास बुक आ रही है इस वक्त यहाँ हम जिसे देख कर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ जो ऑप्शन है वो गलत पे टिक किया हुआ है उन्होंने, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 10 इनवर्स 1/8 इसका आंसर है। और ऑप्शन जो भी है, पहले इसका ऑप्शन है जो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10 इनवर्स 1/5, और एक और ऑप्शन दिया है 10 इनवर्स 2/9, 10 इनवर्स 1/8 जो हमारा आंसर मैच हुआ है। लेकिन जो हमारे पास बुक नजर आ रही है उसमें इन्होंने अक्सर गलतियां भी की होती है, 10 इनवर्स 3/5 पे टिक किया हुआ है इस बार, जबकि करेक्ट आंसर हमारा ये है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अब कुछ गलतियां होती हैं, चाहे वो उर्दू का पेपर हो चाहे फिजिक्स का हो, तो आपको टीचरों की रहनुमाई की बहरहाल जरूरत होती है, क्योंकि अगर 20 ईयर की MCQs हो तो उसमें अक्सर सही होती हैं, लेकिन चंद ऐसी होती हैं जिसका ऑप्शन गलत दिया होता है। ठीक है, तो लिहाजा नोट कर लीजिएगा, हमने ऑप्शन भी ऊपर लिख दिए हैं ताकि आपको हम इस तरह से बता दें। तो इसके बाद आगे एक 4th MCQs भी दी हुई है, तो ये याद रखे 2017 में 2 और 3 की बहुत ज्यादा MCQs दी गई हैं, और इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद नंबर 4 जो MCQs आई है उसमें लिखा है, मतलब इसकी जो 4th आई है, लिखा है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियस ऑफ आर ट्राइंगल इज कॉल्ड द डैश। अब बेसिकली ना ये डेफिनेशंस है, आप याद रखें कि बहुत सी डेफिनेशन है जो कि आपको 2 और 3 चैप्टर के लिहाज से आना चाहिए। अब मीडियंस का जो कॉन्करेंसी है उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम ना मैंने रखा ना आप लोगों ने रखा। हमारे ज्योमेट्री के अंदर हर फिगर के लिहाज से हर हिस्से का नाम, ठीक है। तो अब मीडियंस बेसिकली क्या होता है, जैसे एक ट्राइंगल हम अगर बनाते हैं तो मीडियन होता क्या है, मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से निकलता है और सामने साइड सेंटर में टच हो जाता है, और यहां से वर्टेक्स से निकलेगा, ये वर्टेक्स कहलाता है, सामने साइड सेंटर में टच हो जाएगा। इसी तरह यहां से निकलते हुए इसके इंटरसेक्शन से गुजरते हुए इसके मिड से जाके टकराएगा, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास बेसिकली सेंट्रॉइड कहलाता है। तो ये बात जो है वो सिर्फ याद रखने की है कि मीडियन आखिर होता क्या है, और कॉन्करेंसी याद रखेंगे बालों का, तो ये भी पूछा जाता है कि कॉन्करेंसी लाइंस का मतलब क्या होता है। तो कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट पॉइंट वो होते हैं जहां 2 से ज्यादा लाइनें गुजरे, तो बेसिकली अगर 2 लाइनें ऐसे गुजर रही हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है या इंटरसेक्ट हो रहा है, और अगर इसी पॉइंट से एक लाइन और चले जाती है तो वो फिर आपका कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है। तो लिहाजा मीडियन का जो है वो कॉन्करेंसी पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड कहलाता है, और ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें से आपकी 4 MCQs आई और अच्छी खासी MCQs आई, और ऑप्शन जो लिखे हुए थे आपको पता है वो इन सेंटर लिखा था, ऑर्थो सेंटर लिखा था, सेंट्रॉइड लिखा था और सर्कम सेंटर लिखा था। और मैं एक बात बता दूं, ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं इन चारों ऑप्शन को इनकी डेफिनेशंस हैं, और ये चारों ऑप्शन आना चाहिए कि भाई इन सेंटर क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है वो तो हमने बता दिया, ऑर्थो सेंटर क्या होता है वो एल्टीट्यूड का कॉन्करेंसी पॉइंट होता है, और सर्कम सेंटर क्या होता है। तो ये चारों पॉइंट अलग अलग करके भी आ सकते हैं, अगर अभी सेंट्रॉइड आया तो वो ऑर्थो सेंटर भी आ सकता है। तो लिहाजा हम जो है आपको चैप्टर 2, 3 ईयर वाइज करवा रहे हैं, और जो चीजें रह जाएंगी वो हम आपको एग्जाम के दिनों के अंदर भी आपको
लाइव या किसी भी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। तो मकसद ये होता है कि हम अगर सिर्फ आंसर ही दें तो फिर तो हम बहुत ज्यादा इसको आपको एक्सप्लेन करें। अभी सिर्फ 2017 का हुआ है और हमारी वीडियो अच्छी खासी बड़ी हो गई है, समझ आ रही बात। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अगर हम इसके बाद 2016 के अंदर आते हैं तो कभी MCQs इसमें कम आती है, कभी इससे ज्यादा। तो इसमें लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज डैश। तो मुझे फील होता है कि ये मैंने आपको MCQs 2019 और 18 में जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने इस पॉइंट को, यानी ये पॉइंट हमारा रिपीट हुआ है 2018 में या 19 में। कि देखिए, याद रखें कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट को उर्दू में रब्त कहते हैं, और यहाँ पे ये सेकंड कहलाएगा, और इसी तरह ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। और मैं क्वाड्रेंट नहीं लिख रहा क्योंकि यहां मैंने लिख दिया ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो अब वो बेसिकली हमें कहते हैं कि अगर हमारी एक जो लाइन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बायसेक्ट करे तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट और थर्ड का मतलब है अगर हम इसे ओरिजिन से गुजारते हुए इस तरह से करें तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास बायसेक्ट का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे टोटल 90 डिग्री होता है। तो बायसेक्ट का मतलब होता है अगर ये 90 डिग्री होता है तो इसका एंगल का हाफ करते हुए यहां से जा रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री है तो हाफ करके जा रहा है। तो हमारे पास ना एक्स एक्सिस के लिहाज से स्लोप दिया होता है, जिसे बहुत कम क्वेश्चन है जो बुक के अंदर इससे रिलेटेड दिए हैं। आपका मतलब के एक 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है और 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो m इज इक्वल टू 10 थीटा है, तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने फर्स्ट और थर्ड का जो है वो बायसेक्टर कहते हुए उन्होंने MCQs के अंदर कहा है कि बायसेक्टर का मतलब है एंगल का हाफ ऑफ करते हुए। तो अगर हम 10 बल्कि अगर क्या हमें 45 डिग्री रखना है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। तो आप देखें इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन जो है वो आपको 1 भी दिया है, 0 भी दिया है, -1 भी दिया है, इनफाइनाइट भी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 है। अब इससे आगे जो MCQs है उसमें ये कहा हुआ है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 3x - y + 5 = 0 देन द पॉइंट 1, 2 lies dash। अब क्या कह रहा है कि असल में ये भी आपका जो है एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक लाइन है जो कि 3x - y और प्लस का 5 = 0 है। अब वो ये कह रहा है कि भाई एक जो है ना हम पॉइंट दे रहे हैं इसमें 1 और 2, तो अब ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट आपका जो है लाइन के ऊपर है, यानी अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ऑन द लाइन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन के दोनों साइड, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें इसे करना क्या है कि भाई इस तरह का जो है ना हमारे पास क्वेश्चन भी है अपना 3.1 के अंदर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस है जो इसी पैटर्न के ऊपर दिए हुए हैं। और इसमें अब ये है कि इसकी 2-3 टेक्निक्स हैं और कोई भी टेक्निक अगर यूज करें तो अब हमें आंसर से ताल्लुक है। वो ये है कि हमारे पास ना अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax + by + c = 0, तो बेसिकली इसके 2 टेक्निक्स हैं और दोनों टेक्निक से वो पता लग सकता है। एक में तो इसका डिस्टेंस पता लगता है और एक में ये पता लग जाता है कि ये अबव है कि बिलो है। लेकिन उसके लिए हमें
बी का हमारा पॉजिटिव होना जरूरी है। तो अब आप ये देखें कि यहां पे हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमें इसको प्लस करने के लिए इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस थ्री एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें करना क्या है कि ये पॉइंट एक्स की जगह वन, वाई की जगह टू रख देंगे और रखने के बाद देखना है होता क्या है। एक्स की जगह वन, वाई की जगह टू और माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री प्लस टू माइनस फाइव और ये माइनस के एट में से टू लेस करेंगे तो आपके पास माइनस के सिक्स आ जाएंगे। अब याद ये रखना है कि अगर ये जीरो से छोटा है तो ये बिलो द लाइन होगा, और अगर ये जीरो के इक्वल होगा तो ऑन द लाइन होगा, और अगर ये जीरो से ग्रेटर होगा तो अबव द लाइन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बिलो द लाइन होगा। अच्छी एमसीक्यूज है और मैं अक्सर ये डिस्कस करता रहता हूं अपने स्टूडेंट से कि इस तरह की एमसीक्यूज आ सकती है। तो इसके बाद इसमें भी अच्छी खासी एमसीक्यूज दी हैं। तो एक और एमसीक्यूज है इसमें, वो लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। ये बात अभी हमने इस 2017 में आपको एक्सप्लेन किया, और ये तो यानी कि ऐसा भी नहीं हुआ कि एक साल छोड़ के ये आने का सिलसिला, बल्कि कंटिन्यू ये टू ईयर सेम पॉइंट आया है। तो भाई ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल का छोड़ दें और वही पॉइंट आपका आ जाए। तो चूंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका आंसर है सेंट्रोइड। तो लिहाजा अब इसके बाद एक इससे तरतीब के लिहाज से फोर्थ एमसीक्यूज है 2016 की। तो एक और आई है, इसमें लिखा हुआ है टू स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो विल बी कॉन्सिडेंट इफ डैश। तो अब बेसिकली तो जो ज्वाइंटली इक्वेशन है वो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन ज्वाइंटली कहलाती है, और ज्वाइंटली इक्वेशन हमेशा टू स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है। और बेसिकली अगर हम आपको इसको एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट करें कि हमारे पास अगर दो लाइंस हो इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से आप करें, देखें दो लाइंस है ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये किसी लम्हे ऐसा होता है कि ना ये 90 डिग्री बना रही होती है ना ये पैरेलल होता है, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हो तो वो किस तरह होगी कि एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। और अगर हम इसे पैरेलल की लोकेशन पे लाएंगे तो पैरेलल की लोकेशन पे ये जब यहाँ पे आएगा तो एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन आ जाएगी, लाइन को हम कॉन्कुरेंसी लाइंस कहलाते हैं, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही हो। और बेसिकली अगर हम इस तरह से दो लाइंस हों, अगर हम यूं कर दें तो ये पैरेलल है जैसे रेल की पटरी होती है, लेकिन अगर हम इसको एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन कर दें तो ये होती तो पैरेलल है, लेकिन इस कंडीशन को कॉन्कुरेंसी लाइंस कहते हैं। तो याद रखें जैसे इस एमसीक्यू में कहा हुआ है कि टू इसकी ज्वाइंटली इक्वेशन है और दोनों कॉन्कुरेंसी है, यानी कि एक लाइन के ऊपर, जैसे ये तो मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन किया, लेकिन एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन अगर ऐसे हो जाए तो ऐसी सूरत में वो कॉन्कुरेंसी लाइन की क्या कंडीशन होती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के लिहाज से एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो हो तो इस सूरत में वो दोनों लाइनें एक दूसरे के कॉन्कुरेंसी लाइंस होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर हम एक जमीन पे एक लाइन ड्रॉ करें और फिर उसी लाइन के ऊपर एक बार फिर ड्रॉ करें तो ड्रॉ करने वाला कहेगा मैंने दो लाइनें खींची हैं, लेकिन देखने वाला बाद में ये कहेगा कि ये तो एक ही लाइन है, लिहाजा एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन गुजरती है तो वो लाइन कॉन्कुरेंसी लाइन कहलाती है। तो इस तरीके से चार एमसीक्यूज 2016 में और चार एमसीक्यूज 2017 में आई जो आपको हमने एक्सप्लेन की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह हम
फिर टू ईयर करके आपके सामने जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो सर शायद को इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।